हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि मार्केट कभी भी ऐसे वन साइडेड ऊपर नहीं जा सकता है, इट हैज टू गिव अ रिट्रेसमेंट, देन इट विल मूव अप। सो मैंने आपको आज बोला भी था कि मेरा व्यू बेरिश है, एंड मैंने आज गैप अप में भी कुछ क्वांटिटी शॉर्ट किया था। बैंक निफ्टी में मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, मैंने आपको बोला था कि 21,000 के ऊपर जाएगा तो जो भी मेरा फिक्स लॉस है वो मैं बुक करके निकल जाऊंगा। सो मैंने वही किया, जो मेरा लॉस था बैंक निफ्टी में वो बुक करके निकल गया। बट एनालिसिस आप समझो, एनालिसिस के हिसाब से अगर आप देखें, यहाँ पर एक टॉप बनाया एंड देन अ शार्प फॉल। क्लोजिंग के टाइम में जब मार्केट वापस गिर रहा था तब मैंने कुछ कॉल शॉर्ट किए हैं जो कि मैंने कैरी फॉरवर्ड किए हैं, तो होपफुली उसमें कल मॉर्निंग में काफी अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। सो निफ्टी में अभी व्यू बेरिश है, एंड कल हो सकता है गैप डाउन हमें देखने को मिले, क्योंकि आज अगर आप देखें बहुत सारे लॉन्ग कॉल्स में पोजीशन ट्रैप हुई है, बहुत सारे पुट राइटर्स की पोजीशन ट्रैप हुई है। सो कल एक्सपायरी भी है, तो कल हो सकता है गैप डाउन हमें देखने को मिले और उसके बाद फॉलो थ्रू सेलिंग भी हमें देखने को मिले। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी एक्सपायरी अराउंड दीज लेवल्स, दिस वॉज अ ब्रेकआउट लेवल। सो अराउंड 9,900 के आसपास एक्सपायरी पॉसिबल है निफ्टी में। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी में 9,900 के आसपास एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है कल के एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी सेशन में। अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी मैंने आपको क्लियर बोला था इट विल गिव अ रिट्रेसमेंट एंड देन इट विल मूव अप। सो सेम एज इट इज बैंक निफ्टी में भी वैसा ही हुआ। बैंक निफ्टी भी इनफैक्ट अगर आप देखें बैंक निफ्टी काफी फास्ट गिरा, इसमें भी मेरे कुछ कॉल शॉर्ट्स हैं। मेरा जो स्ट्रैटेजी का पोर्शन था वो मैंने स्क्वेयर ऑफ कर दिया था, बट मैंने कुछ कॉल शॉर्ट्स किए वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड है, ओपन है, और इसमें भी मेरा व्यू बेरिश है और मुझे लगता है कल गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में एक्सपायरी वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड दीज लेवल्स 19,800-19,900। सो कल भी मुझे लगता है 700-800 पॉइंट्स का करेक्शन हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, एंड अराउंड 20,000 अराउंड 19,900 लेवल आप एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको क्यूमिंस इंडस्ट्रीज दिया था, बजाज फाइनेंस दिया था एंड अपोलो हॉस्पिटल दिया था। क्यूमिंस एंड बजाज फाइनेंस में ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है क्योंकि इट वॉज अ कंडीशनल सेल। अपोलो हॉस्पिटल में ट्रेड ट्रिगर हुआ और अपोलो हॉस्पिटल में अगर आप देखें 1350 के नीचे सेल था और उसके बाद 1340 तक इसने लो बनाया, तो इसमें एक इंट्राडे में स्मॉल प्रॉफिट बना। अब डिस्कस करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करना है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एकदम क्लीन एंड क्लियर व्यू दे रहा हूँ विथ लॉजिक के साथ, विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपने ऑब्जर्व किया बाकी टीवी चैनल्स पे या बाकी यूट्यूब चैनल्स पे, तो आपको ऐसे ही कॉल्स देते हैं। लेट से स्टॉक चल रहा है 100, बाय अबाउ 101, सेल बिलो 99। अगर आपने ऑब्जर्व किया, अब स्टॉक कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। लेट से 95 हुआ या 110 हुआ, फिर वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने बाय दिया था या सेल दिया था। सो इसको एनालिसिस नहीं बोलते, ठीक है, ये तो कोई भी दे सकता है। मैं आपको दोनों तरफ का व्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कोई भी स्टॉक में व्यू दे रहा हूँ तो क्लीन एंड क्लियर व्यू दे रहा हूँ, बाय या सेल। लॉजिक के साथ आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और स्टॉप लॉस भी आपको क्लियरली बता रहा हूँ। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के सेशन के लिए। सबसे पहला स्टॉक होगा BPCL। BPCL अगर आप देखें इसका रिजल्ट है एंड ये के स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और मुझे लगता है अगर ये हाई क्रॉस कर लेता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है और पॉसिबल है 370-375 तक के लेवल्स हमें देखने को मिले BPCL में। सो BPCL काफ़ी अच्छा बाय कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए। कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक होगा ICICI बैंक। ICICI बैंक अगर आप देखें सबसे वीक स्टॉक है प्राइवेट बैंक्स में ये, एंड इसका सेटअप काफी नेगेटिव है, ऑब्वियसली बैंक निफ्टी जैसा ही सेटअप है इसमें भी, और इसमें भी मुझे लगता है यहाँ से 340 या 330 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो इसमें एक 15-20 रुपए का फॉल हमें और देखने को मिल सकता है कल के सेशन में। सो ICICI बैंक काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए। कौन से लेवल पे ट्रेड करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, लेकिन उसमें लेवल ट्रिगर नहीं हुआ। अब अगर आप देखें ये राउंड ऑफ नंबर के पास में 2400 के आसपास ही क्लोज हुआ है ये। 2400 एक राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल नंबर है, अगर उसके नीचे जाता है कल के सेशन में तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। 2300-2350 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं जो कि एक रिट्रेसमेंट फॉल होगा। मुझे लगता है इसमें शॉर्ट ट्रेड में काफी अच्छा पैसा बन सकता है। तो बजाज फाइनेंस काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए। एंड लास्ट स्टॉक होगा ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा अगर आप देखें ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जरूर है एंड इसका भी रिजल्ट है। अब देखते हैं ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है या नीचे की तरफ।
लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके का सेटअप है मुझे लगता है ये नीचे की तरफ हायर चांसेस है ब्रेकडाउन कर सकता है। तो इसको हम मार्केट वॉच में रखेंगे एंड कौन से लेवल पे ट्रेड करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है इसमें ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, बट इसमें रिजल्ट है तो ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच एंड ट्रेड अकॉर्डिंग टू द लेवल्स। आई होप यू आर लर्निंग एंड अर्निंग बाय वॉचिंग द वीडियोज। लाइक एंड शेयर अवर वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।